... अब बी ए बी कॉम बी एस सी और एम ए एम कॉम करे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू ऐसी सोल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करे संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर डी कॉलेज गेट के सामने सिवान तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वे गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बने भटको चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली घर बैठे पाए समाधान अभी कॉल करें एट डबल फोर सिवान जिले के एक होटल में ईंट निर्माता संघ सिवान के तमाम पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई है किस लिए बैठक चल रही है इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे लेकिन आप देख सकते हैं जो कि सिवान के तरवारा रोड में स्थित एक होटल है संगम रत्ना और इसी में बैठक चल रही है ईट जो संघ है ये टोटल चिमनी मालिक संघ जो लोग हैं इनके इनका एक टीम है और तमाम सदस्यों की बैठक चल रही है तस्वीरें आप देख सकते हैं हम इन लोग से बात करते हैं कि आखिरकार कुछ इनकी मांगे हैं या फिर क्या मसला है जिसको लेकर के ये तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं तो पूर्व प्रमुख सुबोध जी यहाँ पे मौजूद है पहले इन्हीं से हम बात कर लें अब बताइए कि क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं हम लोग निर्माता संघ यहाँ पर जुटे हुए हैं चूँकि सरकार के द्वारा 12 परसेंट जो टैक्स लग रहा है जीएसटी उसी के संदर्भ में और अपनी जो समस्याएँ हैं टैक्स का हुआ कोयला का हुआ उस समस्याएँ में सब लोग को यहाँ पर सम्बित कर कर हम लोग एक विचार बना रहे हैं कि आगे संघ का किस तरह का कार्य किया जाए जिससे ईट भी सस्ता पड़े और खरीदार को भी सस्ता लगे इसी पर हम लोग की परेशानी हो रही है मतलब कि जो जी हाँ बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी पड़ रही है बारह हो गया टैक्स जी उसमे क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए सरकार आप लोग के लिए क्या कुछ करे सरकार हम लोग के लिए कोयला का सुलभता तय करे जीएसटी कम करे हम लोग इसी के मांग कर रहे हैं सरकार से इसके लिए कभी आप लोग कहीं जा कर के किसी पदाधिकारी से या सरकार के किसी मंत्री से कभी आप लोग मिले जिला पदाधिकारी से हम लोग मिले हैं आश्वासन भी मिला है हम लोग उसी संदर्भ में आज बैठक किए हुए हैं अब बताइए अनिल जी क्या कहना चाहेंगे जो बैठक चल रही है ईंट निर्माता संघ के ईट निर्माता ईट निर्माण करने में सभी को बहुत कठिनाई है क्योंकि कोयला का रेट जो 9000 था आज बढ़ कर के चौदह हज़ार हो गया है और जीएसटी जो एक परसेंट थी वो बढ़ा करके सात परसेंट कर दिया गया है और जो रेगुलर में थे उनका पाँच परसेंट था उसको बारह परसेंट कर दिया गया है और हम लोगों को जो लाल ईंट सरकारी कार्य में लगता था उसको लगभग 80 परसेंट विभाग से गायब कर दिया गया है हम लोग की ईंट बिक्री भी नहीं हो रही है ईंट के बदले कौन सी ईंट को फ्लाई एक्स ईंट का प्रयोग किया जा रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है इसके पहले आ, हैदराबाद से आ, टीम गठित की गई थी जिसमें पाया गया कि उसमें कैंसर का जीवाणु मिल रहा है उसके बाद भी गवर्नमेंट उसी को बढ़ावा दे रही है के जो रेट है वो कुछ सस्ते हैं सस्ता नहीं है महंगा है और वो इससे उसका लाइफ भी कम है क्या कारण है कि आखिर वो ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं यूज़ गवर्नमेंट जबरदस्ती करा रही है सरकारी काम में जबरदस्ती यूज करा रही है फ्लाई एक्स का और जो जी कहीं ना कहीं कमीशन का भी खेल है जरूर होगा इसमें इसको इनकार नहीं किया जा सकता है और सरकार अगर हम लोग की मांग नहीं मानेगी जीएसटी नहीं घटाएगी कोयला का रेट नहीं घटेगा तो हम लोग सभी निर्णय लिए हैं कि अगले एक तारीख से हम लोग का लागत जो बढ़ रहा है वो लागत हम लोग बढ़ा करके दो तीन हज़ार रुपया प्रति टाली एक जनवरी से हम लोग का रेट बढ़ जाएगा जी अभी कितना चल रहा है और कितना हो जाएगा अभी तेरह हज़ार चौदह हज़ार का रेट चल रहा है उस पर भी हम लोगों को घाटा लग रहा है बारिश हम लोग का सीजनेबुल धंधा है छः महीने का धंधा है पाँच महीने का धंधा है बारिश पड़ जाती है पिछले साल हम लोग सभी लोग बर्बाद हो चुके हैं और अगले साल के लिए जो मिट्टी पिछले साल गिरा लेते हैं किसी के पास दो महीना से ढाई महीना का ही मिट्टी पिछले साल गिर गया है बारिश के चलते और सरकार जो है अपना फुल टैक्स लेगी इसमें कोई मरौत नहीं कर रही है और जीएसटी और कोयला का रेट जो बढ़ गया इसके चलते नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग भरात जमीन पर चले आएंगे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे ये जा बताइए कि ये तो जिला लेवल की आप लोगों की कमेटी है जो टीम है बिहार लेवल पे भी आप लोगों की कमेटी होगी जी बिहार लेवल पर कमेटी है इसके पहले हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे मीटिंग किए थे उसमें बापू सभागार में जिसमें वाणिज्य करके मंत्री और लोग को बुलाया गया था हम लोग अपना मांग रखे हैं और वहाँ के बाद हम लोग ज्ञापन डीएम को भी दिए हैं अगर हम लोग की मांग तुरंत नहीं सुनी गई तो हम लोग राज्य स्तर और देश स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे बिना आंदोलन का ही संभव नहीं हो पाएगा कुछ और भी लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं बताइए क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की जो मांगे हैं उस पर कुछ विचार करेगी देखिए हर आदमी तो अपना मांग करता है अब सरकार हम लोग उम्मीद है कि सरकार जो है हमारी मांग मान ले और जो हम लोग का पाँच था जी उसको बारह किया गया है तो फिर पाँच परसेंट कर दे और हम लोग को कोयला का रेट जो है कंट्रोल से दे दे और जो भी सरकारी काम में लाल ईटा पर प्रतिबंध लगा दिए है उसको खोल दे तो हम लोग का जो है धंधा ठीक ठाक रहेगा और ईटा का दाम भी कम रहेगा कुछ और भी लोग हैं इन लोग से भी थोड़ा बात करते हैं आप बताइए क्या करना चाहेंगे लगातार आप लोग जो बैठकें चल रही हैं क्या लग रहा है कि इससे सरकार पे कुछ दबाव होगा जिस तरीके से इनका कहना है कि लाल ईट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जी बिल्कुल ला लाल ईट पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है और हम लोग का जैसे आप लोग को मालूम है कि हम लोग का व्यवसाय जो है एकदम गरीब लोग ही हमारे चमनी पर काम करते हैं वो मजदूर लोग भी बहुत परेशान हैं हम लोग भी परेशान हैं कोयला का रेट बढ़ रहा है डीजल का रेट बढ़ रहा है जीएसटी बढ़ रहा है इसलिए हम लोग बहुत परेशान है इसी संदर्भ में हम लोग एक मीटिंग रखे थे इसके पहले हम लोग डीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को सुविधा दिया जाए बिल्कुल अब देखना होगा कि सरकार या फिर जिला पदाधिकारी इनकी जो मांगे हैं ईंट निर्माता संघ सिवान के जो पदाधिकारी हैं इनकी मांगे पूरी हो पाती है या नहीं क्योंकि इनका कहना है कि सरकारी कामों में ज़्यादा लाल ईंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक कुछ खेल चल रहा है जिसको लेकर के इनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगे को पूरी करती है या नहीं है तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार ए कुछ और भी लोग मौजूद हैं इनसे भी थोड़ा सा बात कर लें कुछ इनका भी कहना है क्या कहना चाहते हैं देखिये सबसे पहला चीज़ यह है कि हम लोग इस जिला लेवल पे जो मीटिंग किए हुए हैं इसका मुख्य कारण यह है दो तीन कारण मुख्य है जिसमें यह है कि जीएसटी जो पांच परसेंट से बारह परसेंट तय किया गया जो है इसमें काफ़ी नुकसान होगा इन निर्माताओं को दूसरी चीज़ यह है कि पूरे देश लेवल पे हाकार मचा हुआ था कोयले को लेकर के करके जो है जो पहले हम लोगों को प्रति टन दस हज़ार साढ़े आठ हज़ार नौ हज़ार तक मिल जाते थे इस साल अभी पंद्रह हज़ार तक लगभग जो है कोयले का रेट हो चुका है जिससे परेशानी ये होने वाली है कि एक तो कोरोना को लेकर के सेल पे काफ़ी बुरा असर पड़ा था आज के डेट में जो है कोयला को लेकर के जो है जब लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मजबूरन ईट निर्माता जो है वो बढ़ा करके ही बेचेंगे जिससे सेल पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा और ये धंधा जो है वो ठप होने के कगार पे है इस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है बिहार के लिए कि हर प्रत्येक चिमनी पे 200 लोग कम से कम काम करते हैं जो सबसे बड़ा रोज़गार का अवसर देने वाला बिहार का अगर कुछ कोई है धंधा तो वो चिमनी है ईट निर्माता लोग हैं और उसी को अगर बंद कर दिया जाए तो बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाली है क्राइम लेवल बढ़ेगा इस पर सरकार का ध्यान नहीं है हम लोग केंद्रित करते हैं इसी मीटिंग को लेकर के जो है और आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इसको केंद्रित कराई सरकार को जो है कि फोकस कोयले पर करे फोकस जी पे करे और रेट को काफ़ी कमी में लाए ताकि हम लोगों का धंधा चलता रहे रोज लोगों को रोजगार मिलता रहे और सुचारू रूप से ये सारी चीज़ें चलती रहें जो है मेरा नाम नूरुल हक जिला प्रवक्ता ईट निर्माता शाह और भी कुछ लोग मौजूद हैं बताइए बबलू जी क्या कहना चाहते हैं देखिए चंदन जी सूबे में रोजगार का एक ही जो सबसे बड़ा विकल्प है ईंट भट्टा है गरीब मजदूरों के लिए सबसे बढ़िया रोज़गार का जरिया ईंट भट्टे से ही मिलता है मजदूरों को जिसमें गरीब परिवार का भरण पोषण होता है उसको भी सरकार बंद करने के कगार पर एक से एक दबाव हम लोगों के ऊपर एक से बढ़कर एक दबाव जीएसटी से संबंधित कोयला से संबंधित हर चीज़ हर हर रॉ मटेरियल में हम लोगों को समस्या दे रही है सरकार सरकार को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए हम लोग सरकार के के अलावा आम जनता का भी भला कर रहे हैं तो इसमें सरकार को हम लोग हम लोग का साथ देना चाहिए आप बताइए क्या कहना चाहते सर यही कहना चाहते हैं कि मैंने चिमनी चलाने वाले को हर तरह से दिक्कत है मिट्टी नहीं मिल रहा है सरकार मिट्टी खोदने पर भी रोक लगा रही है बालू नहीं मिल रहा है कुछ मैंने सारा जितना चिमनी में खर्च सामान लगता है सारों तरफ से तो दिखते आ रही क्या होना चाहिए इस पर सुधार होना चाहिए और हम लोग क्या कहें उसी के लिए तो आए हैं तो बिल्कुल अब देखना होगा कि इनकी मांगें कब तक पूरी हो जा हो पाती है या तो ख़ैराने वाला वक्त ही बताएगा हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार एटीएन लाइव सी अगर आप चर्म रोग गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन कुष्ठ रोग बाल गिरना सफेद दाग पिंपल दाग धब्बे लेजर सेवा अनचाहे बाल एवं तिल निकालने गालों के गड्ढे भरना छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर हॉस्पिटल रोड सिवान मोबाइल नंबर है एट फोर सिक्स एट नाइन थ्री सिक्स फाइव